नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन पे आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो प्रभु श्री राम के नाम की महिमा ही अपार है। त्रेता युग में इसी के सारे राम भक्त हनुमान ने किया सिंधु सागर पार, और कलयुग में यही राम नाम बन गया चुनावी प्रचार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक द्वंद्व के में बहुत कम समय में शेष रह गया है। यही कारण है कि क्षेत्रीय दलों के अलावा एक राज्य में सीमित हुई पार्टियां भी सत्ता के लिए राज्य में अपने पैर पसारने में लगी हुई हैं। दिल्ली में सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी ने पुनः एक बार अपने अस्तित्व को राज्य की सत्ता में कायम करने के लिए गठजोड़ जुटाने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। इसी क्रम में सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अयोध्या जी के दर्शन किए, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पूर्ण करने के लिए किया गया है। बता दें कि कुछ और नहीं बल्कि अयोध्या जी में रामलला का मंदिर उत्तर प्रदेश में 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के लिए धुनी बन गया है, जहां सभी राजनेता अब रामलला के दर्शन करने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सोमवार को इसी क्रम में इसका पालन किया, और सिसोदिया ने दर्शन के पश्चात कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा है। यह एक विडंबना है कि कल तक देश तोड़ने वालों के साथ खड़े रहने वाले दल हम शहीन बाग हैं साथ के नारा लगाने वाले और ये कहते हुए नहीं थकने वाले कि राम मंदिर का विरोध करने वाले मनीष सिसोदिया आज अयोध्या जी जाकर रामलला के आगे शीश झुकाने में सबसे आगे दिख रहे हैं। ये वही सिसोदिया है जिन्होंने राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर न बनाते हुए विश्वविद्यालय बनाने की बात पर जोर दिया था। आज यही आप नेताओं की टोली अपने हैशटैग हॉस्पिटल वहीं बनाएंगे वाले नारे को त्याग कर राम भक्तों की टोली बन गई है, जो मंदिर दर्शन करने को आतुर है। सिसोदिया के मंदिर कूच का मूल उद्देश्य चुनाव है, जो कि 5 माह के अंतराल में होने वाले हैं। तो लोभ प्रलोभन के ढकोसले दिए बिना वो दिल्ली वापस कैसे आ पाते। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने हनुमानगढ़ी का दौरा करते हुए भगवान श्री राम से आशीर्वाद लिया और प्रार्थना की ताकि UP भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार जैसे क्षेत्रों में दिल्ली की तरह विकसित हो सके। UP में आम आदमी पार्टी की रणनीति दिल्ली जैसी ही होने जा रही है, फ्री फ्री और फ्री। जिस प्रकार दिल्ली की आधारिक संरचना का पैसा फ्री के झुंझुने के साथ केजरीवाल सरकार ने बहाते हुए दिल्ली को बदहाल करने का काम किया है, ऐसा ही वो अन्य राज्यों में दोहराने के मकसद से चुनाव लड़ने जा रही है। राम मंदिर केस की अंतिम सुनवाई वाले दिन तक प्रश्नों का अंबार लगाने वाले, जमीन के नाम पर हुए फर्जी घोटाले, मंदिर निर्माण के लिए जमा किए गए चंदे पर प्रश्न को लेकर भक्तों की आस्था पर प्रश्न उठाने तक यही केजरीवाल मंदिर के पक्ष में निर्णय आने के बाद दिल्ली के बुजुर्गों के सामने अपनी छवि श्रवण कुमार की बताने लगे हैं। विधानसभा में यह घोषणा करने में आप सरकार की छणभर नहीं लगाया कि राम मंदिर निर्माण होने के बाद राज्य ने वृद्ध जनों को फ्री में अयोध्या जी के दर्शन कराने का जिम्मा आप सरकार लेती है। लोक लुभावन वायदों के साथ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश समेत सभी चुनावी राज्यों में अपने फ्री वाले नारे को बुलंद कर सरकार बनाने की जुगत में लग गई है। मंदिर दर्शन और अयोध्या भ्रमण में मनीष सिसोदिया जैसे अवसरवादी सीजनेबल हिंदू कितना सफल होते हैं और राम के नाम पर अपनी झूठी सियासी पारी खेलने में कितने सक्षम हो पाते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। परंतु मौका परस्ती के प्रत्यक्ष उदाहरण के तौर और आम आदमी पार्टी और उसके मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं की छवि जनता को साफ देखने को मिल गई है। इससे निसंदेह अब चुनावों में जनता को व्यवधान नहीं आएगा, यह भी तय है।